तो नवाज शरीफ ने यूएन में जो भाषण दिया उसके बाद भारत के पास क्या क्या रास्ते बनते हैं, विदेश मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक बार फिर से वही तमाम बातें दोहराई गईं, किस तरह से पाकिस्तान अपनी धरती पर आतंकवाद की खेती करता है, पाकिस्तान से एक बार फिर से कहा गया कि वो आतंकवाद को शह देना बंद करे, आतंकवादियों को पनाह देना बंद करे और अपनी धरती से आतंकवाद को मिटाए, और यही बात बार बार भारत कहता आ रहा है। और इसे लेकर पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं, उन्होंने कल अपने भाषण में कहा कि भारत बातचीत के लिए शर्तें रखता है। हमारे साथ दो खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रदीप जोशी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। बख्शी साहब, जिस तरह से कल का भाषण हुआ उसके बाद आपको क्या लगता है कि अब क्या बात रह जाती है, क्योंकि ये तो साफ हो गया कि पाकिस्तान कुछ करने वाला नहीं है, लेकिन जिस तरह से 2001 में संसद पर हमला हुआ था, उसके बाद 2008 में मुंबई अटैक हुआ, उसके बाद अब उरी में अटैक हुआ, ये तीन बड़े हमले हैं, आप परिवर्तन क्या देखते हैं उस वक्त और इस वक्त में? अगर विश्व की बात करें, विश्व कितना भारत के साथ है और भारत की किसी कार्रवाई का विश्व कितना सहयोग करने के लिए तैयार है? देखिए, जैसे आप कह रहे हैं, भारत क्या फ़र्क है उसमें और अब में, आप बताइए फ़र्क कहाँ होगा। जब उरी का ख़त्म हुआ, सारी दुनिया में बात चलने लगी, एकदम से उन्होंने फिर अटैक कर दिया और उनके 10 मारे गए। आप सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान ये सब बंद कर देगा इसके बाद में, ये आपका सोचना गलत है। वो 2-3 या 4 महीने 5 महीने रुक जाएगा और फिर शुरू कर देगा। वो आप किसी भी हालत में आप मत सोचिए कि वो रुक जाएगा, और किसी भी हालत में आप मत सोचिए कि दुनिया उसके खिलाफ है। उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बड़ी जगहों से सपोर्ट मिल रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, तो वो पाकिस्तान इस हताश नहीं होगा। हाँ, कई जगह से जो जिनसे बहुत उम्मीद रखता था, अमेरिका वगैरह ने उसको धमकी दी है, बिल्कुल ठीक है, पर अमेरिका भी उसको बिल्कुल अबेंडन नहीं कर रहा जैसे कि हमने सोचा हुआ है। तो आप ये बात मान के चलिए कि पाकिस्तान जो है अपना रवैया कायम रखेगा, ये जो हमने उसको धमकी दी है उससे नहीं होगा। वो रुकेगा तब जब पाकिस्तान के ऊपर वही होगा जो करने की कोशिश कर रहा है। हमारी फौजों को अगर आदेश दिया जाए और वो उनके ठिकानों के पर हमला करें, ठिकाने सिर्फ पीओके के अंदर, और वो सिर्फ जहां पे उनके आतंकवादी रीग्रुप कर रहे हों बिफोर। जी बिल्कुल बख्शी साहब, आपकी आवाज एक्टिविटी को अंजाम नहीं दे पाएंगे, वो डिफेंसिव पे ही रहेंगे। जी, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं भारत को हमला करना पड़ेगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं पाकिस्तान को काबू में कर सकते हैं। लेकिन क्या लगता है कि पाकिस्तान पीओके में हमला करते हैं, आतंकवादियों को खत्म करते हैं, तो क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? खासकर भारत की बात करें तो वहां पर आतंकवादी नहीं आएंगे, हालांकि पूरे पाकिस्तान की बात करें तो लगभग हर जगह वहां पर आतंकवादी कैंप बने हुए हैं, आतंकवादियों को पनाह मिल रही है, तो क्या पीओके में शिविरों को नष्ट करके भारत अपनी धरती पर आतंकवाद को खत्म कर सकता है? देखिए, ऐसा है, पीओके में अगर आप स्टर्न एक्शन लेंगे तो फिर वो अपना नीति चेंज करेंगे। पहली बात तो पीओके से अटैक आना बंद हो जाएगा, क्यों? अगर आप अपना, आपके पास जो जो इक्विपमेंट है, आपके पास लॉन्ग रेंज गन्स हैं, आपके पास में अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, आप फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल मत करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अटैक हेलीकॉप्टर से, कमांडोज से और उनको सपोर्ट के लिए लॉन्ग रेंज आर्टिलरी से आप उनको काबू में रख सकते हैं, और बेसिकली जितना उनके ऊपर एट्रिजन होगा उतना वो फिर सक पकाएंगे। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आपके और भी दूसरे डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल चैनल्स हैं, उनको कायम रखिए, उनसे पाकिस्तान पे प्रेशर रखिए। पाकिस्तान को जहाँ से फाइनेंसिस मिल रहे हैं उसको रुकवाइए, जब उसको किसी तरीके से रुकवाइए, जो इस्लामिक देश पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करिए, ये बात है। चाइना देखिए करेगा, वो चाइना खुलेआम करेगा, आप क्या कर लेंगे? चाइना कहता हमारा सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे है, कारकोरम हाईवे कितनी दूर है, ग्वादार पोर्ट है वहाँ, आप चाइना का इंटरेस्ट देखिए। उधर अमेरिका, रशिया अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था, वो तो उड़ी हो गया, तो रशिया ने अपनी पीओके में एक्सरसाइज कैंसिल कर दी। बताइए, रशिया को किसने कहा था कि आप पीओके एरिया में पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज करिए? क्या रशिया को ये पता नहीं था कि हमारी स्थिति कितनी गंभीर है हिंदुस्तान की? देख, अब हमारी जो नीतियां हैं वो कमज़ोर दिखने लगी हैं हमारे को। हम जो, हालांकि प्राइम मिनिस्टर बाहर बड़ा सपोर्ट ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमारे साथ में इतने नहीं हैं जितने कि होने चाहिए, और ये प्रॉब्लम हमारे को बहुत सताएगी। और जब और हमारी इंटेलिजेंस पुअर है, ये तो एक बाहर की प्रॉब्लम बताई,
हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है, आपके लोग इतने मारे क्यों गए? आपके इतने लोग मारे इसलिए नहीं गए कि पाकिस्तान वो उनके जो उग्रवादी हैं बड़े बहादुरी से आए थे और मार गए, वो इसलिए था कि हम लोग सो रहे थे और हम सोते ही जा रहे हैं। आप 15 साल से, पिछली बार पठानकोट में और उससे पहले पर या इस एरिया में 2 बार हो चुका है, आप बताइए इतनी आसानी से आए वो 3:30 बजे पैदल चल के 5:30 बजे अंदर आए, ऐसे कि सुबह घूमने निकले हैं और 17-18 आदमियों को मार दिया, उनके 4 मरे, वो तो मरने आए थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जाहिर सी बात, ये क्यों हो रहा है? हमारी सिक्योरिटी को क्यों नहीं ठीक किया जा रहा? इसका जवाब कौन देगा? बिल्कुल जवाब लेना इसका बहुत जरूरी है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा इतनी ज्यादा मजबूत क्यों नहीं है कि आतंकवादी भारत के अंदर घुसकर इस तरह से भारतीय सेना पर हमला करते हैं? तो आंतरिक सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पर प्रफुल्ल बख्शी साहब ने एक बहुत बड़ा सवाल ये भी कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा तब तक शायद पाकिस्तान यहां पर सुधरने वाला नहीं है। वह छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौट कर आते हैं, हमारी चर्चा भी लगातार जारी है।